वेलकम टू माय चैनल टूसी स्टडी। मैं स्वागत है आप लोगों का। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने डाली हुई है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे देते हैं, व्हाट इज़ ग्रामर। देखिए, चाहे ग्रामर हो चाहे और भी कुछ चीज़ हो, आपको डिफिनीशन समझ में आ जाना चाहिए, सेंस समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको डिफिनीशन समझ में आ गई ना, ठीक है ना, तो आप खुद से भी क्रिएट करके आप उसे बना सकते हो। तो अभी मैं आपको दो चार डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और भी डिफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट वे में, वन वे में आप कैसे याद कर सकते हो एक ही लाइन में। तो जो पहला डिफिनेशन हो गया वो है द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश। इट्स कॉल्ड ग्रामर, द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। या इसी चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश कॉल्ड ग्रामर। इंग्लिश के सही इस्तेमाल करने को ही क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश के सही इस्तेमाल करने को ही क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी का आप किस ढंग से इस्तेमाल करते हो, सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वही चीज कहलाता है ग्रामर। द करेक्ट यूज ऑफ नॉलेज सॉरी द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर, या करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश आना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है, लेकिन आप उसका यूज कैसे कर रहे हो वो एक अलग चीज है। तो इंग्लिश का यूज कैसे करना है वो हमें सिखाती है ग्रामर, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपको फूड सब्सटेंस कुछ दे दिया है, ठीक है ना, आपको एक सेकेंड, ठीक है, आपको मान लीजिए आप किचन गए रसोई घर, ठीक है, आप किचन गए, आपको वहाँ पे फूड सब्सटेंस मिला, भोजन सामग्री, ठीक है, मिला, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप कोई खाना बना रहे हो या आप चाय बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना, आपको पता नहीं है कि कितना नमक पड़ेगा, कितना चीनी पड़ेगा, कितना चावल पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा, आपको वो पता नहीं है, तो आप अच्छा से फूड नहीं बना सकते हो, आप अच्छा से खाना नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो उसको आपको बढ़िया से करवाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुक की, ठीक है, या आप बोल लीजिए शेफ की, क्लियर। तो अब यहाँ पे फूड सब्सटेंस क्या हो गया, एक था इंग्लिश हो गया, फूड सब्सटेंस क्या हो गया, एक तरीके से इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आपका जो कुक हो गया या शेफ हो गया वो क्या हो गया, एक तरीके से ग्रामर हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आपका फूड सब्सटेंस क्या हो गया, इंग्लिश। समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको ये रहना जरूरी नहीं है, ये रहेगा लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे क्या बनाना है, पहले क्या देना है, उसके बाद क्या करना है, कितना क्वांटिटी में देना है, वो आपको पता ही नहीं है, कितना मात्रा में क्या पड़ेगा वो आपको पता ही नहीं है। जब आपको ये पता नहीं है, आप बेहतरीन खाना आप अच्छा से नहीं बना सकते हो, बेहतर खाना आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो बेहतर खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फूड सब्सटेंस, आप यहाँ पे फूड सब्सटेंस किसका काम कर रहा है, इंग्लिश का, बाय तो समान तो हर चीज है, समान तो हर चीज है, लेकिन उसको यूज करना नहीं आ रहा है, तो यूज कौन करेगा, कुक, तो वो क्या हो गया, ग्रामर हो गया, आप समझे। भोजन की सामग्री रहना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको बनाना भी आना चाहिए, है ना। अगर आपको जब बनाना नहीं आएगा तब एक आपको बेहतर खाना बन के तैयार नहीं हो सकता। तो फूड साइंस आपको क्या हो गया, एक तरीका से इंग्लिश हो गया, आपको क्या हो गया, रसोईया बावर्ची जो भी बोलिए सेफ, वो आपको क्या हो गया, ग्रामर हो गया। इस तरीका से आप इसको समझ सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने का, धीरे धीरे करके हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी आप इतना समझिए कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ दिक्कत होती है तो उसको कौन दूर करता है, ग्रामर दूर करता है। क्लियर, अभी सिंपल वे में समझ सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे करके और भी क्लास में हम आपको धीरे धीरे करके पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। सेकेंड डिफिनेशन क्या हुआ उसी को और देखिए, फर्स्ट डिफिनेशन हुआ था, सेकेंड डिफिनेशन क्या हो गया आप कह सकते हो, नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, इज कॉल्ड ग्रामर। कितना भी क्या बोलेगा, कितना जन क्या बोल देते हैं इसको, कितना आदमी क्या बोल देता है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलने को ही ग्रामर कहते हैं। अंग्रेजी के पढ़ने लिखने और बोलने को ही ग्रामर कहते हैं, रॉन्ग डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे आपको एक टर्म याद करने की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना ग्रामर नहीं है, सही सही करेक्ट। तो अंग्रेजी सही सही पढ़ना, सही सही लिखना, सही से बोलना, वो चीज कहलाता है ग्रामर, शुद्ध 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 शुद्ध। तो आपको एक टर्म जोड़ देना होगा उसमें, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग कॉल्ड ग्रामर। ये तो गलत हो गया, सही क्या हो गया, नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग कॉल्ड ग्रामर। अंग्रेजी का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना ही ग्रामर कहता है। ये आपको ये सीरीज सही है, पहले लिखेंगे तब तो सॉरी पहले पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे उसके बाद बोलेंगे, आप ही सीरीज यही चलेगा। पहले कोई लिखेगा तब पढ़े, पहले लोग पढ़ेगा लिखेगा तब ना बोलेगा, कि पहले लोग बोल लेगा फिर लिखेगा तब पढ़ेगा, रॉन्ग भी हो गया। तो सही डायरेक्शन क्या है, पहले आपको रीडिंग उसके बाद होता है राइटिंग उसके बाद स्पीकिंग। तो ये आपका सेकेंड डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो सेकेंड डिफिनेशन क्या होता, नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। पहले क्या होगा, रीडिंग करते हैं, पहले कोई रीडिंग करता है उसके बाद क्या करता है, राइटिंग करता है, लिखता है, उसके बाद उसको क्या करता है, पढ़ता है। लेकिन यही काफी नहीं है, इसमें आपको क्या जोड़ देना होगा, करेक्ट। क्लियर, चलिए। और जो तीसरी डिफिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन है, अच्छी डिफिनेशन है, ग्रामर प्लेज अ सुपर रोल टू नो एरर फ्री इंग्लिश। ये थोड़ा हाई लेवल डिफिनेशन हो गया, अच्छा डिफिनेशन हो गया। ग्रामर प्लेज, तो प्लेज का मतलब ही नहीं कि खाली खेलना ही होता है, कितना भी समझता प्ले है तो प्ले मतलब खेलना नहीं, प्ले का मतलब भूमिका निभाना, किरदार निभाना। तो ग्रामर प्लेज अ सुपर रोल टू नो एरर फ्री इंग्लिश। इंग्लिश में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको कौन दूर करता है, ग्रामर दूर करता है। तो इसका डिफिनेशन सही आप समझ सकते हो, ग्रामर प्लेज अ सुपर रोल टू नो एरर फ्री इंग्लिश। इंग्लिश में किसी भी तरीका से बाधाएं होती है, दिक्कत होती है, कठिनाई होता है, मुसीबतें होती हैं, कोई भी चीज़ होती है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में कुछ भी, तो उसको कौन दूर करता है, ग्रामर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कंट्री है, कंट्री है देश, ठीक है, कंट्री है। तो कंट्री को आप समझ जाइए एक तरीका से इंग्लिश है, ठीक है, कंट्री एक तरीका से क्या हो गया, इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, बहुत से तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस कंट्री का जो मेन आदमी होता है तो उसको जहां तक होता है इसके प्रॉब्लम को दूर करता है, वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और भी चीजों का हाथ होता है, लेकिन मेन मेन आप मेरा सेंस समझिए, आप कहने का मेन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या हो गया आपका ग्रामर, ग्रामर ठीक है। कंट्री क्या हो गया एक तरीका से इंग्लिश ठीक है। कंट्री में बहुत जैसे इंग्लिश तो इंग्लिश में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ठीक है ना, कैसे करके पढ़ेंगे, कैसे करके लिखेंगे, कैसे करके बोलेंगे। कंट्री में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ठीक है, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम को कौन दूर किया ग्रामर ठीक है, और कंट्री का प्रॉब्लम को कौन दूर किया प्राइम मिनिस्टर। हालांकि और सब भी इनमें इंक्लूड होते हैं लेकिन आप मोटा मोटी समझ लीजिए मुख्य रूप से मैंने ली प्राइम मिनिस्टर ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि मान लीजिए मूवी हुआ या फिल्म बोल लीजिए इसको आप मान लीजिए इंग्लिश है ठीक है, तो कुछ भी आप समझ लीजिए। मूवी में बहुत सारे दिक्कतें होती है, बहुत सारे नेगेटिविटी होती है, बहुत सारी चीज होती है ठीक है, लेकिन ये इसको सुपर हिट बना देता है ठीक है ना। ये वो क्या हो गया एक तरीका से ग्रामर ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो फैमिली परिवार, परिवार क्या हो गया एक तरीका से इंग्लिश, लेकिन इसके जो गार्जियन होते हैं गार्जियन 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 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे गार्जियन, ये क्या होते हैं ग्रामर है GRAMMAR ग्रामर। तो फैमिली में भी बहुत सारी मुसीबतें होती है, बहुत सारी होती है ठीक है ना, तो उसको कौन बढ़िया से उसका गाइडेंस कौन करता है गार्जियन। तो फैमिली क्या हो गया इंग्लिश हो गया और गार्जियन क्या हो गया ग्रामर हो गया ठीक है। गार्जियन में कुछ भी आप समझ सकते हैं, मम्मी हो गए, पापा हो गए, बड़े भैया हो गए, कोई भी चीज हो गया ठीक है। तो इस तरीका से कुछ भी आप माइंड है कोई भी चीज आपको मतलब कर सकते हो, खुद से भी आप कुछ भी बना के मतलब कर सकते हो। मेरा यहाँ पे समझ सेंस था समझाने का सिंपल इतना, इंग्लिश में कोई भी दिक्कत होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको ग्रामर दूर करता है। तो इसीलिए हम आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल से किसी भी तरीका से आप अपने हिसाब से समझ सकते हो क्लियर। अगला भी डेफिनेशन बहुत अच्छा है, 4 नंबर ग्रामर इज द बैक बोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट टराइज टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर। और अच्छा से लिख देते हैं मामा आपको, ग्रामर ग्रामर इज द बैक बोन ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर दैट ट्राइज टू दैट ट्राई टू tries to clear the concept of literature. Literature. Grammar is the backbone of English literature that tries to clear the concept of literature. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य का, इंग्लिश साहित्य का ग्रामर क्या है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ठीक है ना, जो यह कोशिश करता है कि अंग्रेजी के अंदर में जो भी अवधारणा है उसको कैसे करके क्लियर। तो इंग्लिश का एक तरीके इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है ग्रामर, और अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का अवधारणा कौन क्लियर करता है, कौन साफ करता है ग्रामर। फिर से सुनिए, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट ट्राइज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर। तो इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी बैकबोन वर्टिब्रा कौन है ग्रामर है, और उसमें जो भी दिक्कत होती है कोई भी कठिनाई होती है उसको कौन दूर करता है कौन ग्रामर। ठीक इसी प्रकार इस प्रकार कि आपका जो बॉडी है मेरा बॉडी है या ह्यूमन बींग्स का किसी का भी कोई भी वर्टिब्रा को ले लीजिए आप, कोई भी वर्टिब्रेट्स को ले लीजिए आप
कसेरी कुई जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है वो उसको बॉडी को खड़ा करने में क्या करता है, मदद करता है ना। अगर आपका या मेरा, अगर अगर हुमेन का ये ले लीजिए आप, अगर मान लीजिए हुमेन है, ये मान लीजिए हुमेन है, इसका अगर मान लीजिए ये अगर नहीं रहेगा, ये अगर ये रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा इस तरीका से, ये अगर बैक बोन नहीं रहेगा, बैक बोन, अगर ये आपको बैक बोन नहीं रहेगा, अगर ये आपको बैक बोन नहीं रहेगा तो किसी का भी बॉडी खड़ा होगा नहीं ना, हो सकता है बॉडी खड़ा नहीं रह सकता है। तो आपके आपके बॉडी को, मेरे बॉडी को कौन खड़ा कर किया हुआ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो उसी तरह का इंग्लिश का भी जो बुनियाद है, इंग्लिश का भी बुनियाद है वो किस पर टिका हुआ है, ग्रामर, ठीक है ना। जैसे घर है तो आप इसको ऐसे भी फिर समझ लीजिए, घर है तो घर एक तरीका से इंग्लिश हुआ, लेकिन घर कितना कितना मजबूत है वो किस पर डिपेंड करता है, बेस पर, मतलब जड़ पर, कुर्सी पर। उसी तरीका से आपका बॉडी है किस पर डिपेंड है, रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है ना। तो उसी तरीका से आपका बॉडी हो गया, आपका शरीर हो गया, वो इंग्लिश हो गया, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो हो गया वो एक तरीका से ग्रामर हो गया, दैट्स ऑल। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।